अरे इसे हम आपको दिखाने आए हुए हैं कि तरंगा कितने अच्छी तरीके से बना हुआ, आप जैसे देख सकते हैं पीछे। अभी हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मित्रों आज हम आ चुके हैं अयोध्या के पावन धरती पे, तो आपको चलते हैं एक और बड़ा अपडेट देने के साथ साथ आपको ये बता दें, एक तरफ अयोध्या राम जन्मभूमि जो कि अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, मंदिर का निर्माण, वही दूसरी तरफ अयोध्या श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य जो निर्माण किया जा रहा है। तो मित्रों आज हम आए हैं आपको यही अपडेट देने के लिए, अयोध्या श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने भव्य तरीके से बनकर तैयार है और कितने अभी इसका कार्य कितना बाकी हुआ है। कहा जाता है अयोध्या श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट 861 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि बढ़ती हुई टूरिज्म को देखते हुए यहाँ पे जो 900 मीटर का एरिया और भी बढ़ा दिया गया है। जिसके साथ साथ ये कहा जाता है कि अयोध्या का जो ये भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि रात और दिन पाली मिला के यहाँ पे दोनों समय जो विमान का चालन होगा दोनों समय चलता रहेगा, तो श्रद्धालुओं को आने के लिए यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। और चलते हैं आपको दिखाते हैं अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना भव्य तरीके से बनकर तैयार है, अभी कितना काम अभी यहाँ पे बाकी है। यही बना हुआ है कॉरिडोर, इसके जस्ट फुटपाथ पे हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फुटपाथ पे कितने अच्छे तरीके से जो कि इसको मेंटेन किया गया और ये पिंक पत्थर इसको अच्छे से यहाँ पे लगाया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जस्ट बगल में ये सीवर तैयार किया गया है और साइड में साइड देख सकते हैं ये फोर लाइन में रोड को काफी अच्छे से कन्वर्ट किया गया, जो कि डिवाइडर वगैरह अच्छे से बना दिया गया है। आप हमारे इस तस्वीर में पीछे देख सकते हैं कि ये अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मेन टर्मिनल यहीं से आपको दिखाई पड़ जाएगा। और चलते हैं आपको आगे दिखाते हैं कि कितना रनवे का काम तैयार हुआ, कितना टर्मिनल का काम तैयार है, और चलते हैं बने रहे हमारे इस वीडियो में और आगे चलते हैं आपको। मित्रों आप देख सकते हैं कि हम अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पे आ चुके हैं, जो कि आप हमारी तस्वीर में देख सकते हैं अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे कितना बड़ा बनकर तैयार है। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अयोध्या लगभग ये रनवे का काम खत्म हो चुका है, बस इसकी फिनिशिंग का काम बाकी है। जो की आपको ये भी बता दें इसका रनवे जो की अभी अभी बढ़ते टूरिज्म को देखते हुए ये 900 मीटर और भी लंबा कर दिया गया, जो की 900 मीटर बात किया जाए किधर लंबा किया गया उसको भी आपको दिखाते हैं। जिसके साथ साथ चलते हैं आपको पहले मेन चीज ये फोकस करके दिखाते हैं अयोध्या का मेन टर्मिनल कहाँ पे बना हुआ है, इंटरनेशनल का मेन टर्मिनल, और उसका हेलीपैड कहां पे बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यहां पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। इस साइड देख सकते हैं कि जो ये रनवे का काम है, जो ये डामर गिट्टी वगैरह इधर ही इकट्ठा किया जाता है, इधर ही डंप किया जाता है, और यहीं से ही जो रनवे के कार्य में यूज किया जाता है मटेरियल वगैरह। उसके साथ साथ आपको चलते हैं बताते हैं कि अयोध्या का हेलीपैड कहाँ पे है और उसके साथ साथ मेन टर्मिनल कहाँ पे, तो बने रहे हमारे वीडियो में। चलते हैं आगे, आप देख सकते हैं अयोध्या का जो मेन टर्मिनल यही है और ये काफी बड़े भव्य रूप में आपको दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य अभी चल ही रहा है। बताया जाता है कि ये 80% वर्क यहाँ के कम्प्लीट हो चुका है। ये रनवे का जो मेन पाथ यही है, इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलीपैड वगैरह यही पर। जैसा की आप देख सकते हैं की यही जो अयोध्या इंटरनेशनल का मेन टर्मिनल यही है, आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से बन रहा है, जो कि आपको सबसे सबसे पास से ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं कि कितना कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ तक अभी कंप्लीट हुआ है। जो कि कहा जाता है प्रभु श्री राम के जो मंदिर में पत्थर यूज किया जा रहा है, वही इसी पत्थर से ये टर्मिनल का भी कार्य हो रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं कितना बड़े पैमाने पर इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो कि अभी फिलहाल इसके क्रैक एरिया आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से ये बना हुआ है, जो कि ये यहाँ पर जो पत्थर वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ लगा हुआ है। आप
देख सकते हैं कि ये टर्मिनल के एकदम हम करीब में खड़े हैं, जो कि आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से टर्मिनल का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं ये इसी पत्थर से, ये जो आप दिखा रहे हैं पत्थर, इसी पत्थर से ये यहाँ का जो एयरपोर्ट का टर्मिनल इसी पत्थर से बनाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे जो वर्कर्स यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में काफी अच्छे भव्य तरीके से ये बन रहा है, जो कि अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम लगभग चल ही रहा है। तो आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से। जैसा कि देख सकते हैं साइड में काफी अच्छे तरीके से बना, चलते हैं और पास से आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू टर्मिनल का कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार है। सो मित्र, जैसा कि देख सकते हैं ये यहाँ टर्मिनल मेन पॉइंट टर्मिनल का यही, जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि कितने करीब से हम आपको दिखाने आए हुए हैं कि टर्मिनल कितने अच्छे तरीके से बना हुआ। आप जैसे देख सकते हो पीछे अभी काम चल ही रहा है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे अभी ढेर सारा वर्क ऐसा भी बचा हुआ है, जो कि यहाँ क्रेन वगैरह भी लगा है अंदर अंदर। अंदर से जाने का वैसे परमिशन नहीं है, लेकिन हम आपको यही से दिखाते हैं कि टर्मिनल कितने अच्छे तरीके से बना हुआ पूरा। आप देख सकते हैं पीछे कवर भी हो चुका है, चलते हैं और भी आगे आपको। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉरिडोर का मेन टर्मिनल का मेन व्यू आपको यहाँ से दिख रहा होगा, कितने अच्छे तरीके से बना हुआ है टर्मिनल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जेसीबी वगैरह से कार चल रहा है, और उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से ये मेन कॉरिडोर जो मर्यादा श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मेन कॉरिडोर आपको दिख रहा होगा, कितने अच्छे तरीके से ये बना हुआ है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि एक भव्य क्लैरिटी के साथ ये बन मेन कॉरिडोर यही है, आप जैसा कि देख सकते हैं। चलते हैं आपको और भी अपडेट देते हैं, बने रहिए हमारे इस वीडियो में।